नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, नए प्रॉब्लम के साथ आपके सामने आए हैं भाई। और क्वेश्चन नंबर क्या है? 1.17। तो देखिए, बहुत इजी प्रॉब्लम है ये। तो लास्ट 1.16 की जैसा ही है। तो फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन ए हाईवे, वन हैज टू गेट बाय कार एज सून एज पॉसिबल टू पॉइंट बी लोकेटेड इन द फील्ड एट ए डिस्टेंस एल। मान लीजिए भाई साहब, आपको डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। आप यहाँ पे हो ए पॉइंट पे, और आपको भाई साहब खेतों में जाना है। और हाईवे कहाँ है? हाईवे भाई साहब ये चल रहा है हाईवे आपका, ठीक है जी। आपको हाईवे पे ये है हमारा, यहाँ पे ये है टर्न, ऐसे, ठीक है, ओके। आपसे पूछा गया कि डी पॉइंट दे दिया, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी वन मस्ट टर्न ऑफ द हाईवे। इसने सोचा कि भाई साहब यहां से जाऊंगा इधर, तो भैया बीच में से कोई रास्ता ले लूं। तो बीच में से ही कोई उसने रास्ता लिया, टर्न ऑफ कर दिया। यहां से कितनी दूरी पर? मान लीजिए एक्स दूरी पर ही इसने अपनी गाड़ी मोड़ ली, और मोड़ ली तो भाई साहब ऐसे इस डायरेक्शन में चला गया। तो आपसे क्या पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी वन मस्ट टर्न ऑफ द हाईवे। ये एक्स पूछा है भाई, ये बता दो बस। तो आपको मैं भी बता देता हूँ रफ्तार से। तो आप कितना पीछे लें कितना आगे लें, तो भाई साहब ये आपका यहाँ से जितना कम होगा, है ना। तो हमें तो ये निकालना है ना, मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन है फिर से ये वाला भी, ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और स्पीड क्या दिया है? नहीं पता हमें। हाँ, ये जरूर दिया कि इट इज नोन दैट अ कार मूव्स इन द फील्ड इटा टाइम्स स्लोअर देन ऑन द हाईवे, है ना। यहाँ पे बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो स्पीड है घट जाती है, इटा टाइम स्लोअर देन ऑन हाईवे, है ना। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी स्पीड ज्यादा है। ऑलरेडी स्पीड यहाँ पे कैसी है? ज्यादा है, राइट। यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलिए। इसका मतलब यहाँ पे जो स्पीड है, मान लीजिए वी है, तो यहाँ पे कितनी होगी? ईटा वी, सपोज कर लिया हमने। चलिए शुरू करते हैं, फिर डायग्राम बनाते हैं फटाफट, रफ्तार से करते हैं। मान लीजिए सी पॉइंट पर आए, और सी पॉइंट पर आते आपने टर्न कर लिया, ठीक है जी। और कहाँ पहुंच गए? बी पॉइंट पे पहुंच गए, ओके। और डी पॉइंट कौन सा है हमारा? डी पॉइंट भाई साहब यहाँ पे है कुछ, तो ये लेंथ है एल, ओके। ये क्या है? दे रखा है ना, वी लोकेटेड इन द फील्ड एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द हाईवे, ओके। चलिए, अब यहां से मान लीजिए डी पॉइंट से ये वाली दूरी है एक्स, तो मुझे बताओ यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगा होगा। तो भैया पहली बात तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये पॉइंट है ए, तो मेरे बच्चों ये एसी जो है वो कितना होगा? एडी माइनस एक्स, ये तो फिक्स है, एडी तो इनिशियली था, ओके। यहाँ पे आ गया। अच्छा, कितना टाइम लगा होगा? टी वन, तो आपने बोला जी टी वन कितना होगा? ए डी माइनस एक्स डिवाइड बाई स्पीड, और स्पीड कितनी है यहाँ पे हाईवे पर? आपने बोला ईटा वी, तो ये रख दिया भाई, ठीक है जी। दूसरा, अब जब ये जैसे यहां पहुंचा, तो ये वाली दूरी इसने अपनाई, तो मेरे बच्चों मुझे बताओ ये वाली दूरी कितनी है? तो बच्चे बोले जी ये तो बहुत आसान है, एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का रूट। मैं बोला यहां से यहां का समय कितना होगा? बच्चे बोले जी टी टू होगा। मैंने बोला वो कितना होगा? तो बच्चों ने बोला जी एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई डिवाइड बाई वी होगा। वाह क्या बात है। तो टोटल समय कितना लगा? कितना लगा टोटल समय पता है? टी वन प्लस टी टू, ओके। अच्छा, यहां से आता तो टाइम ज्यादा लगता, दूरी ज्यादा थी, और यहां से आया तो टाइम कम लगा, तो शायद दूरी कम होगी। तो इसका मतलब डिस्टेंस के हिसाब से टाइम मैटर करता है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी टी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और वो मिनिमम निकालना है। फॉर मिनिमम तो आपको बताया था पिछले क्लास, पिछले सेशन में, मिनिमम जो होता है तो चेंज जो होगा वो जीरो होगा। तो बच्चों ये जो डी टी बाई डी एक्स को ऐसे रखो, और बच्चों इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे जीरो होगा, और इसमें जो वैल्यू आप रखोगे ये टी वन प्लस टी टू के रखोगे, तो मेरे बच्चों तो ये हो जाएगा टी वन डिवाइड बाई डी एक्स प्लस डी टी टू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये टी वन है और ये टी टू है, तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ए डी माइनस एक्स डिवाइड बाई ईटा वी डी एक्स प्लस, और डी ये कितना है? रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई वी डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चों, तो ये आएगा आपका माइनस वन बाई ईटा वी, ठीक है। ए डी कॉन्स्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा।
इसको करोगे तो भैया ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो भैया ये रूट है 1/2 है, तो पहले तो इसको ही खोलेंगे, तो ये हो जाएगा एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और 1/2 माइनस 1 होता है माइनस 1/2 इनटू, जब अंदर जाओगे तो एल टू तो कॉन्स्टेंट है तो एक्स स्क्वेयर होगा, तो ये 2x हो जाएगा बच्चों, और डिवाइड बाई वी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1/v को रखो कॉमन, माइनस 1/ईटा, और 2 से 2 कट गया, तो ये प्लस बच्चों ये आ गया एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो बच्चों जब ये 1/v भी इधर चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो x डिवाइड बाय रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/ईटा, गॉट इट। तो भाई साहब ऐसे लिख लो, ईटा x इज इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको इधर ले जाओ, ईटा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, अरे इधर चला गया ना, स्क्वेयरिंग कर दिया हमने दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, एक्स स्क्वेयर को इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वेयर ये हो जाएगा बच्चों ईटा स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू एल स्क्वेयर। ठीक है, ओके। तो फाइनली बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा आपका एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर डिवाइड बाय ईटा स्क्वेयर माइनस 1। तो इसको जब इधर लेके जाएंगे बच्चों ये हो जाएगा एल डिवाइड बाय ईटा स्क्वेयर माइनस 1, दिस इज योर आंसर। ठीक है, होप सो आपको सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ बच्चों, तब तक ध्यान रखिए अपना।